श्री राधे राधे। भक्तों, साधकों को साधना करनी पड़ती है, किंतु जो जन्म सिद्ध हो अथवा भगवत धाम से ही आया हो तो उसका जीवन दूसरों की प्रेरणा के लिए भले ही साधना का दिखलाई पड़े, किंतु साधना का फल, साधना का सिद्ध स्वरूप उसको पहले से प्राप्त है और उसके लिए साधना की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भगवत प्रेम में डूबा रहता है। रुक्मिणी बाई माता का ऐसा ही स्वरूप था। वो तो भगवत धाम से ही पधारी थी 3 संतों का दर्शन करने के लिए, इसलिए भले ही वो कन्या के रूप में थी और विवाह भी हो गया, किंतु संसार की दृष्टि से पति से मिलन की जो रात्रि थी, उस रात्रि में भी वो सिद्धावस्था में होने के कारण भगवान का ही ध्यान करती रही। उनके पतिदेव भी भक्त थे, उन्होंने प्रभु के चरणों का नूपुर बनना चाहा और अपनी इच्छाएं व्यक्त की। और रुक्मिणी बाई माता ने तो कह दिया कि मैं राधा रानी के गले के हार का मणि बनूंगी। और इस प्रकार से भगवान की सेवा के भाव से डूबे हुए दोनों ही दिव्य महान से महान स्वरूप को प्राप्त हुए दंपति भगवान की सेवा की भावना से ही भावित हुए, वही वार्ता करते थे। और ऐसे ससुराल में वो 3 दिन रही। पतिदेव भी उनके भक्त थे और ये तो महान सिद्ध थी, भगवत धाम से ही पधारी थी। उसके बाद एक घटना घटी है भक्त। वो घटना ये थी कि भागलपुर जिले का बौंसी ग्राम, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी, सायंकाल का समय था, कृष्ण लीला का आयोजन था वहां। और जो रुक्मिणी बाई माता के पति थे यदुनंदन मिश्र, वो उस कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण के ही वेश में सुसज्जित किए गए, अर्थात उस लीला में उनको कृष्ण बनाया गया। और कुछ क्षणों के लिए अपनी बालिका पत्नी के पास वे गए और उसने प्रेम से निहारा भगवान भक्त के भक्त इस भाव से, और वे अभिनय के लिए मंच पर चले गए। भक्ता का स्वरूप देखा, अथवा यूं कहें कि यदुनंदन मिश्र ने जैसे रुक्मिणी बाई को भाव से देख करके आशीर्वाद ही प्राप्त किया। कृष्ण बने हुए रुक्मिणी के पतिदेव यदुनंदन मिश्र जो थे, बहुत सुंदर लीला किए भगवान की कृपा से। लीला संपन्न हुई और उसी रात को यदुनंदन जी को विकट उदर पीड़ा हुई। उपचार हुआ किंतु हालत बिगड़ती गई और उनकी बालिका पत्नी जो थी रुक्मिणी, उसको आभास हो गया कि अब पति विदा के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, ये अब प्रयाण करने वाले हैं। तो तुरंत ही रुक्मिणी ने अपने धर्म का विचार करके भगवान का चरणामृत लाकर पिलाया और डूबते हुए स्वर में यदुनंदन जी ने कहा कि अब तुम कृष्ण का भजन किया करना। भजन तो सहज ही करती थी रुक्मिणी, लेकिन लौकिक पति ने जो कहा कि अब तुम कृष्ण भजन किया करना, इसका तात्पर्य था कि अब मैं नहीं रह पाऊंगा, अब शरीर मेरा छूट रहा है, अब भगवान को ही अपना सब कुछ मानना,
और उन्हीं की भक्ति करना, अर्थात मेरा बिछो हो रहा है, वियोग हो रहा है। प्रातःकाल हो रहा था भक्तों, रुक्मिणी उठी, स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहने, मांग में सिंदूर भरा और माथे पर बिंदी लगाई और शव यात्रा जो प्रारंभ हुई पति की उसमें वो चल पड़ी। साथ साथ भावाविष्ट यंत्रवत वो शव यात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। स्त्रियों का शव यात्रा में जाना कुल मर्यादा के विरुद्ध था, फिर भी वो चली, किंतु परिवार वालों ने उसका चलना ध्यान ही नहीं दिया और किसी ने ध्यान भी दिया तो रोका नहीं। और यदुनंदन मिश्र जिसके साथ शादी हुई थी रुक्मिणी जी की, उनकी चिता सजाई गई। रुक्मिणी ने चिता की परिक्रमा की, चिता प्रज्वलित करके फिर आरोहण करना चाहती थी, स्वयं अपने हाथ से ही चिता में अग्नि दिया था रुक्मिणी ने। और उसके बाद जब वो चिता के ऊपर बैठना चाहिए जलती हुई चिता पर, तो एक गेरुआ वसन धारण करने वाले गैरिक वसन सन्यासी, सुंदर काषाय वसन उनका गेरुआ चमक रहा था, उनकी भक्ति के तपस्या के ज्ञान के तेज से तुरंत एक लाल कपड़े वाले सन्यासी आए और आदेश के स्वर में बोले, क्या कर रही हो, चितारोहण मत करो, चिता पर मत चढ़ना, मुझे तुमसे बहुत काम कराना है। और महाराज वाणी में बड़ा तेज था, अपरिचित सन्यासी का वो आदेश टाल नहीं सके, वो रुकी, किंतु अपने पति का अंत्येष्टि कृत्य उसने ही संपादित किया था। और ये प्रश्न मानस में गूंजता ही रहा कि वो उस कार्य से वर्जित करने वाला अर्थात चितारोहण से रोकने वाला सन्यासी कौन था, क्योंकि वो सन्यासी अंतर्धान हो चुके थे। रुक्मिणी को जलने से, चिता पर जाने से, बैठने से बचा लिया था सन्यासी ने, और रुक्मिणी सांसारिक पति के शरीर का जो चिता में भस्म होना था वो सब करके देखती रही कि सन्यासी कहाँ गए, सन्यासी तो अंतर्धान हो चुके थे, अब वो तो जलने पाई नहीं, सती नहीं होने पाई। किंतु इस खोजबीन में मन उनका घूमता रहता था कि वो थे कौन सन्यासी। और वर्षों बाद जब वो गीता वाटिका गोरखपुर गई रुक्मिणी जी, उसी समय नहीं गई थी, कई वर्ष बाद गई थी, और पहली बार उन्होंने श्री राधा बाबा जी महाराज के दर्शन किए, तो पूज्य राधा बाबा का दर्शन करते ही चकित हो गई और बोल पड़ी, अरे ये तो वही सन्यासी हैं जिन्होंने मुझे चिता पर चढ़ते चढ़ते रोक दिया था, चितारोहण के लिए जिन्होंने मुझे वर्जित कर दिया था, ये तो वही है। तो राधा बाबा ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी बहन हो। और बाबा की इन मुंह बोली बहन रुक्मिणी देवी जी का जो चरित्र है भक्तों, अद्भुत है, क्योंकि साधक नहीं थी, भगवत धाम से आई हुई महान सिद्ध थी माता ये। भले सामान्य लोगों को समझ में नहीं आवे, किंतु था अद्भुत चरित्र इनका, इसलिए अनेक साधक साधिकाओं के जीवन के लिए संजीवनी सुधा है। और इस प्रकार से भक्तों सांसारिक पति का इनका वियोग हो गया। एकादशी फाल्गुन शुक्ल की एकादशी को 1953 में यदुनंदन जी ने देह त्याग कर दिया था। अब रुक्मिणी जी के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। अब वो किसी की पत्नी नहीं थी संसार में,
किंतु केवल बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन की ही नवीनता थी, स्वरूप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। बाह्य परिस्थिति और व्यक्ति जो रुक्मिणी बाई के जीवन में आए थे, वे केवल इनके स्वरूप के उद्घाटन में उसकी अभिव्यक्ति में ही सहायक थे। स्वरूप में विकास अथवा परिवर्तन हुआ हो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको तो परिवर्तन और विकास होता है उनके जीवन में जो साधक होते हैं, ये तो पहले से सिद्ध थी। इसलिए अन्य अनेक साधकों के जीवन में जिन्होंने साधना के आधार पर आध्यात्मिक विकास किया है, उनके और रुक्मिणी जी के जीवन में भिन्नता दिखाई देती है। रुक्मिणी बाई के जीवन में जो निहित स्वरूप था वो कांता भाव, अर्थात इस धारणा पर कि श्री कृष्ण मेरे पति हैं, इस पर आधारित था। मैं आपको स्मरण दिलाऊं, जो पहले मैं आपको सुना चुका हूं, कि जब वो 7 वर्ष की थी तो माँ ने प्रदोष व्रत रखा था और शिव शक्ति लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजन किया था। माँ ने मिष्ठान एवं फलों का भोग अर्पित किया, आंखें मुदी, हाथ जोड़ी माँ। तो बालिका ये रुक्मिणी भावाविष्ट हो गई थी जबकि 7 वर्ष की थी, और उस दशा में वो भगवान को अर्पित भोग स्वयं खाने लगी। ये देख करके माँ घबराई, बच्ची को झिड़का, अरे ये क्या कर रही है। बच्ची ने कहा, माँ मेरे पति कह रहे हैं कि मैं खा रहा हूं, तुम भी खाओ। अब जब मेरे पति कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम खाओ क्योंकि मैं भी खा रहा हूं, तो मैं कैसे न खाऊं, उनकी आज्ञा में तो मुझे चलना ही है। उन्होंने कह दिया कि मैं खा रहा हूं, तुम भी खाओ, तो मैं खाने लगी। तुम देख नहीं रही हो माँ, क्या यहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं। और महाराज इतना कहते ही रुक्मिणी की माँ को बालिका के बगल में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हो गए थे। तो भक्तों, ये अनुभूति ही उनके स्वरूप का मूल तत्व था, ये साधना जन्य नहीं था, सहज रूप से ही प्राप्त था। इसकी ही कथा आपको सुनाई जाएगी। अब आप इतना तो समझ लीजिए कि ये साधिका नहीं थी, ये परम सिद्धा थी। और भक्तों, जामाता यदुनंदन मिश्र की अंत्येष्टि कृत्य के पश्चात जो रुक्मिणी के पिताजी थे छेदीलाल शुक्ल जी, जिनको पहले मैं वैद्य जी आपको बताया हूँ, लेकिन अब वो वैद्य वाला कार्य छोड़ चुके हैं कथा में मेरी, तो इसलिए मैं उनको छेदीलाल शुक्ल बता रहा हूँ, भूतपूर्व वैद्य समझिए। तो ये छेदीलाल शुक्ल अपनी पुत्री के साथ घर लौटते हैं, तो ससुर श्री सिद्ध नारायण मिश्र रुक्मिणी बाई को अपने पूजित इष्ट श्री कृष्ण के विग्रह को देकर कहते हैं कि यही मेरा पुत्र है, इसे ले जाओ। देखिए भगवान कैसी कैसी लीला कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया यदुनंदन जी के पिताजी ने कि मेरा पुत्र यही है, अर्थात यदुनंदन की जगह आप इसको समझ लो, और भगवान कृष्ण ही दूल्हा बाबू बन जाते हैं महाराज। तो न केवल रुक्मिणी बाई उनको दूल्हा मानती है, बल्कि दूल्हा बाबू भी रुक्मिणी बाई पर अपना स्वत्व स्थापित करते हैं। बाई ससुराल से श्री विग्रह और नंदोई श्री सत्यव्रत मिश्र के द्वारा दी गई गिरिराज शिला को लेकर अपने पिता के साथ विदा हुई। पंडित छेदीलाल शुक्ल सीधे अपने घर नाथ नगर न जाकर गंगा स्नान के प्रयोजन से सुल्तानगंज जाते हैं, और महाराज बाई भी गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ी। भक्त बहुत सावधानी से श्रवण करिए, क्या लीला ठाकुर जी करने जा रहे हैं। अब
लौकिक पति तो रुक्मिणी के अब थे नहीं, अब तो उनके पिता ने, उनके ससुर ने, सबको, सबने मान लिया था कि कृष्ण ही इनके पति हैं। और छेदीलाल शुक्ल जी अपने घर न जा करके गंगा स्नान के लिए सुल्तानगंज गए और रुक्मिणी बाई भी साथ में गई। और गंगा स्नान करने के पश्चात जब वो वस्त्र धारण कर रही थी रुक्मिणी, तो महाराज एक छोटा सांवला बालक आ गया और बाई के उतारे हुए कपड़ों को धोने लगा। आपको आश्चर्य होगा कि कृष्ण भगवान अपनी भक्ता का कितना ध्यान करते हैं, अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। छोटा सा सांवला बालक वो बाल कृष्ण ही थे और रुक्मिणी बाई के उतारे हुए कपड़ों को धोने लगे, तो ये स्वाभाविक था कि छेदीलाल शुक्ल जी उसे रोकते, रोकने लगे, बेटा अरे छोटे से बच्चे हो तुम, अरे बड़े सुंदर हो तुम, ये इस लड़की का कपड़ा मत धो। किंतु उस बालक ने कहा, नहीं मैं ही इनके कपड़ों को धोऊंगा। और महाराज वो चकित से देखते रहे शुक्ल जी, और पंडित जी जरा सा इधर उधर कहीं देखे, तब तक वो बालक जो था सांवला सलोना बालक जो कपड़ा धो रहा था रुक्मिणी का, वो कपड़ों के साथ साथ अंतर्धान हो गया। न बालक दिखलाई पड़ा कहीं और न कपड़े दिखे कहीं। आप चकित हो गए पंडित जी, क्या हुआ? पंडित जी हक्के बक्के से रह गए, सोचने लगे ये क्या हुआ। चौंक चौंक के चारों तरफ देख रहे थे, बालक कहाँ गया, कपड़े भी गया, कपड़े भी ले गया। तो रुक्मिणी बाई ने कहा, पिताजी हम लोगों पर श्याम सुंदर की बड़ी कृपा हुई है, श्याम सुंदर आए, उन्होंने अपने स्वत्व को जताया और चीरहरण करके ले गए। उनकी तो लीला ही ऐसी हो, चीरहरण करने आए थे, मेरी चीर अर्थात मेरे कपड़े वो ले गए। भक्तों रुक्मिणी बाई अब लगभग 14 वर्ष की हुई थी और हृदय की सहज गति गंगा की पवित्र धारा के समान श्री गोविंद पादारविंद की ओर प्रवाहित हो रही थी। परिस्थिति की प्रतिकूलता मनस्थित में किंचित भी प्रतिकूल बनकर उपस्थित नहीं हो सकी। परिस्थितियां आई प्रतिकूल, लेकिन मन कितना पवित्र था कि परिस्थितियों की प्रतिकूलता से मन में प्रतिकूलता नहीं उत्पन्न हो सकी। अब उस बात को समझने के लिए मैं एक घटना आपको सुना रहा हूं। नाथनगर में ही जहां की इनका घर था शुक्ल जी का, तो वहीं पर एक नारायण हरि नाम के विख्यात निर्गुण उपासक संत श्री चैतन्य हरि के शिष्य थे। उनका ऋषिकेश में आश्रम था। वे भागलपुर आए, एक महिला की प्रेरणा से बाई उनके द्वारा आयोजित सत्संग प्रवचनों में जाने लगी। अब वहां प्रवचन क्या होता था, निर्गुण निराकार का। तो एक रोज एक इन संत ने, जो ये आए थे ऋषिकेश से निर्गुण निराकार वाले संत, इन्होंने कहा, ये बड़ा सीधा बच्चा है, अर्थात रुक्मिणी को कहा कि लड़की बड़ी सीधी है, मैं इसको दीक्षा दूंगा। और उनको ये ज्ञात था कि ये बाई भगवान श्री कृष्ण की उपासिका है, फिर भी महाराज बड़े बड़े हठधर्मी होते हैं, क्या कहूँ। वो जान रहे थे कि कृष्ण की भक्ता, फिर भी निर्गुण उपासना में दीक्षित करने का आयोजन किया उन्होंने। और अभी मैंने बतलाया था ना कि बाई के जीवन में प्रतिकूलता है तो आई, लेकिन मन ने प्रतिकूलता को स्वीकार नहीं किया। अब वही घटना घटने जा रही। दीक्षा करने के लिए महाराज जो थे वो, उन्होंने हट कर लिया, नहीं दीक्षा ले मुझसे, दीक्षा ले। अब दीक्षा तो पहले हुई नहीं थी, इसलिए तैयार भी हो गई रुक्मिणी बाई। और महाराज बाई के हृदय में प्रतिष्ठित श्री कृष्ण के स्थान पर
ब्रह्म को स्थापित करना चाहते थे वे दीक्षा देने वाले महाराज जी। और दीक्षा प्रसंग चल रहा था, प्रारंभ में ही उन्होंने संकल्प कराया और उस संत ने संकल्प कराया और कहा कन्या से, रुक्मिणी बाई से, कि बोलो अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। तो महाराज बाई ने धीरे से कहा, सुनाई पड़ जाए इतनी आवाज थी, लेकिन जोर से नहीं कहा था, धीरे से कहा था, अपने मन को पक्का करने के लिए कहा था। जब वो महाराज जी बोले अहम ब्रह्मास्मि बोलो, तो उसने कहा मैं श्री कृष्ण की भक्ता हूं, श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। संत ने कहा आज से मेरा श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं, बोलो। महाराज तो बोले, मंद स्वर में उच्चारित किया, आज से मेरा केवल श्री कृष्ण से ही संबंध होगा। वो बुलवा रहे हैं महाराज दीक्षा देने वाले कि बोलो कि श्री कृष्ण से संबंध आज से मेरा कुछ नहीं, आज से मेरा श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं। और बाई बोल रही है कि आज से मेरा केवल श्री कृष्ण से ही संबंध होगा। वो निर्गुण निराकार वाले संत जी बोले बोलो आज से हम तुलसी पूजन नहीं करेंगे, चरणामृत नहीं लेंगे। तो रुक्मिणी बाई बोली आज से हम नित्य तुलसी पूजन करेंगे, नित्य चरणामृत लेंगे। अब आप सोचिए कितनी प्रतिकूलता आई थी, लेकिन मन ने प्रतिकूलता को स्वीकार नहीं किया। इस दीक्षा प्रसंग ने कुछ विक्षेप तो हल्का सा किया, किंतु शीघ्र ही भगवान ने एक नई घटना से उसको विक्षेप को दूर कर दिया। उसी क्षेत्र की नर्मदा बाई में इस बालिका के प्रति वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ। आगे नर्मदा जी का नाम बार बार आएगा, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूं कि उसी क्षेत्र जहां के पिताजी इनके थे, वहीं की नर्मदा बाई थी। और नर्मदा बाई ने इस बालिका के प्रति जब दृष्टि अपनी डाली तो नर्मदा बाई के मन में वात्सल्य भाव, वात्सल्य प्रेम प्रकट हो गया और वे इस रुक्मिणी बाई को अपनी पुत्री मानने लगी। और ये नर्मदा बाई सेठ श्री जयदयाल गोयंदका के द्वारा ऋषि के स्वर्गाश्रम में आयोजित प्रवचनों में सम्मिलित होती थी। तो इन्होंने नर्मदा बाई ने इस बालिका से बात की और फिर इनके जो पति सांसारिक थे, जो अब शरीर नहीं था जिनका, यदुनंदन मिश्र, उनका एक फोटो गीता भवन ऋषिकेश में ले जाकर सेठ जी अर्थात जयदयाल जी गोयंदका महाराज को दिखलाया नर्मदा बाई ने। तो सेठ जयदयाल गोयंदका सेठ नहीं थे, भक्त थे, भगवान के संत थे। उन्होंने वो चित्र तो रख लिया और भगवान श्री कृष्ण का चित्र देते हुए कहा यही उसके वास्तविक पति हैं, निर्गुण ब्रह्म को दूर कर दुल्हा बाबू की प्रीति अक्षुण रही, अर्थात निर्गुण निराकार की जगह भगवान कृष्ण की प्रीति पक्की रही उनकी, क्योंकि संत ने भी महाराज भगवान कृष्ण का फोटो दे दिया। आगंतुक विक्षेप दूर हो गया, झीने बादल का जो आवरण सा था वो विश्वास के वायुवेग से छंट गया, उनकी कृष्ण में पति बुद्धि पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा था, बिगड़ने नहीं पाई बुद्धि, मन नहीं बिगड़ने पाया। पति बुद्धि की प्रगाढ़ता ऐसी दिखाई देती है कि महाराज सहसा राजर्षि राय बहादुर बनवाली राय की पुत्री का जमाई बाबू राधा विनोद विग्रह में पति बुद्धि का स्मरण हो आता है। मैं इनका चरित्र सुना चुका हूं आपको, वनमाली राय जी की पुत्री जो यहाँ तारास मंदिर में जमाई ठाकुर की कथा मैंने सुनाया था आपको कि जमाई ठाकुर ने वनमाली राय की पुत्री से विवाह किया।
तो ऐसे ही आप समझिए इनके साथ था, भगवान ने इनको अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। और मैं अंडाल का चरित्र भी आपको सुनाया हूँ, जो भगवान नारायण ने अपने प्रिय स्वीकार कर लिया था। और मीराबाई जी का 51 भाग में आप चरित्र सुन चुके हैं भक्ति आश्रम चैनल पर। उन्होंने द्वारकाधीश को अपना पति स्वीकार किया और द्वारकाधीश ने भी मीरा जी को अपनी प्रिय स्वीकार किया, पत्नी स्वीकार किया। बिल्कुल ऐसा ही समझिए आप रुक्मिणी बाई जी के साथ हुआ था। अब वो अपने पिता के घर में नाथनगर में रह रही थी, किंतु मन उनका भगवान कृष्ण की सेवा में उनकी प्रिया उनकी पत्नी बन के रहता था। आगे इनका चरित्र आप और श्रवण करेंगे। आज इस महान भक्ता भगवान की प्रिया रुक्मिणी बाई और उनको मंगलमय प्रेरणा देने वाले कृष्ण का चित्र देने वाले श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।